अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह, मेरा जी ये चाहा कि तेरा ईमान ताज़ा हो जाए और मुझे कुछ ना चाहिए, मैं यह चाहूँ कि मेरी हर बात तेरे दिल में बैठे और तू मेरी बात पर गौर करे, ठीक है जी, और मेरी बात पर गौर करे और अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह वाली बातों पे चले और सीधा जन्नत का हकदार बने। एक बुजुर्ग में से मुलाकात हुई तो वो फरमाने लगे कि तन्ने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। उन्हें मैंने कहा भी किस तरह तेरा वक्त बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा जितनी तन्ने मेरे साथ बात करी है ना, मैंने यह बात ये टाइम इबादत में गुजारना था, हाँ जी मेरी इबादत तूने ख़त्म कर दी, हाँ जी अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह वाली बातें कर रहे थे, एक अल्लाह वाले मुझे मिले, वो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करा थे और अपनी जबान न पकड़ के रखा थे, अल्लाह अल्लाह करा थे, अल्लाह अल्लाह जहाँ बैठे रहा वहाँ भी अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह, उनका कलम जारी हुआ था। एक मैंने बुजुर्ग और देखे डेढ़ा लाल, वो गाड़ी रेलगाड़ी के तले आके शहीद हो गए और किसी बात का इलम नहीं था, अनपढ़ थे और नू जाने कि वो इस तरह इलम रखा थे जो बात मुंह तक कह दिया करे थे वो पूरी हो जा करे थी। यो अल्लाह वाला की निशानी है और हमारा काम ये है कि हम होटलों में बाठ का सिगरेट पीवा, धुआं काटा, चावा पीवा, पान थावा, वक्त बर्बाद करा, मस्जिद में अजान होवे, मस्जिद में बुलावा होवा, वहां हम को नहीं जावा, ये आखिरत की खेती बनाओ, ये दुनियादारी सब कुछ उड़ा रहा जाएगा, दुनिया का माल दुनिया में रहेगा, आखिरत की खेती बना, अल्लाह को याद कर, अल्लाह को याद कर, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी को याद कर, फिर माँ बाप की पहचान कर, पीर उस्ताद की पहचान कर, सबसे पहले अल्लाह की पहचान कर, अपने बुजुर्गों की पहचान कर, जब तेरे शर्म हजा हो गया, तन्ने ये पहचान हो गई, तय बदबख्त नहीं रहेगा, तय बख्ता वाला होगा और जन्नत में नू जावेगा जिस तरह गोली जावा, इस तरह लिकड़ का जावेगा, बाबा पीर सुल्तान मल्तानी।